वाइकिंग्स वल्हाला, जिसका काफ़ी टाइम से इंतजार था, फाइनली वो आज दिन आ चुका है और आज के दिन वो रिलीज़ हो चुकी है। अब जो लोग जो है ये जानना चाहते हैं क्या वाइकिंग्स वल्हाला को देखने से पहले कि हमें वाइकिंग्स की पुरानी वाली सीरीज़ या पूरी फ्रेंचाइज को देखना पड़ेगा या नहीं, और क्या ये वेब सीरीज़ देखने लायक है या नहीं, क्या थे इसके प्लस पॉइंट, क्या थे इसके नेगेटिव पॉइंट, सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। तो जैसे कि वाइकिंग्स वल्हाला एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा रोमांस हिस्ट्री वार जोनरा की वेब सीरीज है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अब सबसे पहले अगर इसकी कहानी की बात की जाए तो इसकी बेसिक कहानी जो होती है वो वाइकिंग्स के 100 साल बाद की कहानी में दिखाने की कोशिश करती है सीरीज। इसमें आपको वाइकिंग्स श्रृंखला और लीफ एरिक्सन, फ्रीडस हेराल्ड, हॉर्डराडा और नॉर्मन किंग विलियम दी कॉन्करर के कारनामों पर जो है कहानी को हमें दिखाने की कोशिश करती है। आप लोग कहोगे कि तुमने देख के क्यों बोला, नाम बहुत ज्यादा हार्ड थे, काफी कोशिश की रट के बोलने की, बोल दू नहीं बोले गए। तो बेसिक कहानी हमें इन कैरेक्टर के ऊपर ही दिखाई जाती है, किस तरीके से अपने आपको साबित करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उनके बीच में जो वार होती है एक दूसरे को हराने के लिए जो भी वो क्राइम करते हैं, जो भी वो हथकंडे अपनाते हैं, वही सभी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। अब देखो सीधी सी बात है, इस टाइप की जो वेब सीरीज आपने काफी सारी देख रखी होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। अब सीधी सी बात है, पहले तो वाइकिंग्स ही आ जाती है जो इसकी पहली फ्रेंचाइज है, वही सारी चीजें कॉपी करने की कोशिश करती है। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या इस सीरीज को देखने से पहले वाइकिंग्स की पूरी फ्रेंचाइज को देखना पड़ेगा या नहीं। तो जहां तक मैंने इसे जो है नोटिस किया था, तो हमें शायद उसे इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर हमें नहीं देखने के लिए मिलने वाले, तो इसलिए हम जो है उसे अगर चाहते हो बिल्कुल डीपली तरीके से समझना, तो शायद आपको वो पूरी फ्रेंचाइज देखनी पड़े, पूरी सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे एक न्यू स्टार्ट से भी इसे चालू करोगे तो भी आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ, थोड़े बहुत जो पॉइंट है वो आप शायद एक बार को मिस कर दो, जो कि उससे रेफरेंस लेके इसमें लिए गए थे वो शायद आप मिस कर सकते हो, लेकिन उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आपको उस सीरीज को पूरी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप जाके इसे ऐसे ही चेकआउट कर सकते हो, टोटल 8 एपिसोड इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करें इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंटों के बारे में। अब देखो इसमें प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली जैसी वाइकिंग्स थी सेम ये बिल्कुल वैसी है। बस नेगेटिव पॉइंट इसमें एक रहने वाला है कि इसमें हमें जो नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं उनसे आप जल्दी से जो है बॉन्डिंग नहीं कर पाओगे, जितना हमें उनकी जो आदत हो चुकी थी, तो नए कैरेक्टर देखने में थोड़ी सी तो टाइम लगता है उन्हें एडजस्ट करने में, तो हाँ इतना बस आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन जो लोग इसे पहली बार देखोगे तो शायद उन्हें एकदम पसंद आए, लेकिन जिन्होंने वो देख रखी तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत हजम करने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कि हाँ नए कैरेक्टर को एकदम से कैसे रिप्लेस, जो भी मतलब तुम समझ जाओ एक तो 100 साल बाद की कहानी है, तो इनसे वो बॉन्डिंग एकदम नहीं हो पाती है। वहाँ तो पूरे इतनी लंबी सीरीज देखी थी तब जाकर उनसे बॉन्डिंग हुई थी, तो वही वाली बात है। बाकी अब देखो सीरीज से बातें देखने की तो देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, और बाकी आप सोच रहे हो फैमिली के साथ तो जैसा कि आपको पता ही है, बस छोड़ दो इसे, आगे बात करते हैं। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ वीडियो का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हो इसके जैसी जो है सिमिलर वेब सीरीज की लिस्ट जानना, तो इसके बाद में जो उसकी भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो तो आप जाकर चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाना, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके बाबू सोना जादू टोना के मैसेज पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, सॉरी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखना अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।